नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एएनएम बहाली में बड़ी हेरफेर का मामला आया सामने। महाबोधि मंदिर में धार्मिक आयोजन पर लगा ग्रहण। पटना हाईकोर्ट के सवाल से राज्य के आईएएस आईपीएस अधिकारी हुए परेशान। मुखिया द्वारा पास किए नक्शे पर नहीं होंगे निर्माण कार्य। 6 साल बाद भी बिहार पैकेज के तहत केवल 18 योजनाओं का काम हुआ पूरा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। एएनएम बहाली में बड़ी हेरफेर का मामला आया सामने। कोरोना काल में बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी को दूर करने के लिए आनन फानन में एक के बाद एक एएनएम बहाली के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसमें अब बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। कई जिलों से एएनएम की फर्जी बहाली होने का मामला सामने आया है और इस मामले में खुद स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल 3 जून को स्वास्थ्य निदेशालय ने एएनएम की नियमित नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले जालसाज इस फिराक में थे कि 94 फर्जी एएनएम को भी नियमित नियुक्त कर दे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जालसाजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस संबंध में पटना के सचिवालय थाना में भी विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार ने 94 एएनएम को फर्जी तरीके से विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त करने की शिकायत दर्ज करवाई है। हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाए राशि को लेकर की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गन्ना किसानों की बकाए राशि और बढ़े हुए दाम का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। इस बारे में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका देने वाले व्यक्ति को कहा है कि वे गन्ना राशि से संबंधित अधिकारी के सामने अभ्यावेदन दाखिल करें। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के अंदर ही एक अभ्यावेदन देना है। साथ ही संबंधित अधिकारी को अभ्यावेदन दाखिल करने पर अधिकारी को इस मामले में विचार करते हुए 3 महीने में ठोस निर्णय लेना होगा। इस बारे में कोर्ट ने यह भी कहा है कि सही निर्णय नहीं लिया गया तो याचिकाकर्ता इस मामले को फिर से कोर्ट में ला सकता है। महाबोधि मंदिर में धार्मिक आयोजन पर लगा ग्रहण। यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर में शामिल बोधगया का महाबोधि मंदिर में हर वर्ष अगस्त से लेकर फरवरी महीने तक देशी विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस दौरान महाबोधि मंदिर समेत विदेशी बौद्ध मोनास्ट्री में कई धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्रीलंकाई बौद्ध श्रद्धालु भाग लेते हैं। लेकिन इस साल इन आयोजनों पर ग्रहण सा लगता दिख रहा है। कोरोना के कारण अभी तक सरकार ने तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, जिस कारण महाबोधि मंदिर के प्रबंध कारिणी समिति ने आयोजन को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की है। हालांकि आगे भी यह साफ नहीं है कि धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने का भी खतरा बना हुआ है। देर रात मुकेश सैनी ने जीता राम मांझी से की मुलाकात। यूपी चुनाव में बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की दमदार उपस्थिति दिखाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर राज्य की बीजेपी सरकार उनके प्रयासों पर रोक लगाने की जुगत में है। मुकेश सैनी इस क्रम में जीतन राम मांझी से सोमवार देर रात को मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही नेता बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रविवार को यूपी एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी को रोक दिया गया था। इसके बाद सोमवार की दोपहर में ही सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एनडीए में उन्हें और मांझी की पार्टी हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में 4 दल शामिल हैं, जिसमें से सिर्फ बीजेपी और जदयू की चर्चा होती है, हम पार्टी और वीआईपी की कोई चर्चा नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही नेता बीजेपी से खफा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में हेरफेर के भी कयास लग रहे हैं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मामले 500 से नीचे खिसके। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। राहत भरी खबर यह है कि कुछ हफ्तों से दैनिक मामले अब 50 से 100 के बीच स्थिर हो गए हैं। वहीं बीते दिन सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक आधे जिलों से कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 121,189 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 59 नए संक्रमित मिले, जिनमें पटना से 10 तो वहीं समस्तीपुर से 13 नए पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मामलों की संख्या 467 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 98.61% हो गया है। वहीं इस दौरान करीब 3.25 लाख लोगों ने कोविड वैक्सीन भी लगवाई है। गया जिले से होगा आशीर्वाद यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ। चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के 3 चरणों की यात्रा को पूरा कर लिया है। अब चौथे चरण में वे गया जिले से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। गया जिले में 30 जुलाई को इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान वे गया, नवादा और नालंदा जिले की जनता से आशीर्वाद और समर्थन मांगेंगे। यात्रा को लेकर चिराग गुट के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बताते चले कि लोजपा में बगावती स्वर छिड़ने के बाद से ही लगातार चिराग पासवान खुद को साबित करने और जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं।
तीन चरणों की यात्रा में चिराग ने कई जिलों के लोगों से मुलाकात की और समर्थन की मांग की। वहीं अब चौथे चरण में भी समर्थन जुटाने के लिए चिराग की तैयारी शुरू हो गई है। छह साल बाद भी बिहार पैकेज के तहत केवल 18 योजनाओं का काम हुआ पूरा। बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कई परियोजनाओं का काम भी शुरू नहीं हो सका है। यह जानकारी खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में सोमवार को दी। दरअसल लोकसभा के मानसून सत्र में बिहार से राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बारे में सवाल उठाया था, जिसका जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि बिहार पैकेज में से 54,700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क व पुल पुलिया की 90 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर बाईपास, बिहार शरीफ, बड़बीगा, मोकामा, छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर सहित 18 सड़क परियोजनाएं जहां पूरी हो चुकी है, वहीं फतुहाबाद, सीतामढ़ी, जयनगर, जयनगर नरहिया और पटना में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण व पुनर्स्थापन सहित 40 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर है। मुखिया द्वारा पास के नक्शे पर नहीं होंगे निर्माण कार्य। बिहार में अब मुखिया द्वारा पास किए गए नक्शे या पर भवन या फिर अन्य तरह के प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यह रोक रेरा ने लगाई है, जिसके तहत शहर के प्लानिंग एरिया के बाहर के सभी प्रोजेक्ट के निबंधन और एक्सटेंशन को फिलहाल के लिए लंबित कर दिया गया है। दरअसल अभी शहरों के बाहर के क्षेत्र में नक्शा पास कराने को लेकर कोई तय मानदंड नहीं है। ऐसे इलाकों में मुख्य तौर पर मुखिया ही नक्शा को पास करते हैं। हालांकि कई मुखिया के पास नक्शा पास कराने को लेकर कोई आर्किटेक्ट या फिर तकनीकी कर्मचारी नहीं होते हैं, जिस कारण सही नक्शा पास नहीं हो पाता है। ऐसे में उनके द्वारा पास किए गए नक्शे पर प्रोजेक्ट का निबंधन फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही रेरा ने इस तरह के बाहर के प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। चीन जापान के पर्यटकों की सुविधा के लिए गया एयरपोर्ट रनवे का होगा विस्तार। बिहार का गया जिला बौद्ध पर्यटन स्थल का एक महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहता है। इसे लेकर विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। अभी इसका रनवे 7,500 फीट है, जिसे बढ़ाकर 9,500 फीट करने की योजना है, जिसके प्रारूप को तैयार कर केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है। बड़ा रनवे होने के बाद जापान और चीन से आने वाले विमान को सीधा गया एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा और पर्यटक सीधा गया में ही उतरेंगे। ऐसे में गया और बोधगया में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बात की जानकारी पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने दी है। पटना हाईकोर्ट के सवाल से राज्य के आईएएस आईपीएस अधिकारी हुए परेशान। पटना हाईकोर्ट के एक सवाल ने बिहार में शिक्षा विभाग सहित तमाम बड़े अफसरों की परेशानी बना दी है। दरअसल कोर्ट ने पूछा है कि राज्य में कितने आईएएस और आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसकी सूची को तैयार करके कोर्ट को सौंपने को कहा गया है। इस लिस्ट के आने के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों व संस्थानों की पोल खुल सकती है, क्योंकि खुद सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं। कोर्ट ने यह आदेश 13 जुलाई को ही जारी किया था, लेकिन अब इसे लेकर राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले आईएएस और आईपीएस के अलावा क्लास 1 एवं क्लास 2 के अफसरों के बच्चों की सूची तैयार होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी डीएम एवं एसपी को चिट्ठी लिखकर लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। साथ ही 4 अगस्त को इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। ग्रेजुएशन पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने में तेजस्वी ने सरकार को बताया विफल। बिहार में विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव ने ग्रेजुएशन पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि लंबे समय से नहीं मिलने का मामला उठाया है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल दिखावे के लिए योजना शुरू करती है, लंबे समय से छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इसके जवाब में खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस बात को स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल में स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन की राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ छात्राओं को मिल रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हेलमेट लगाकर पहुंचे विपक्ष के विधायक। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। इस दौरान विपक्ष के विधायक आज भी हेलमेट पहने हुए विधानसभा पहुंचे। दरअसल वे पिछले बजट सत्र में हुए मारपीट की घटना को लेकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराना चाह रहे हैं। इस दौरान राजद और माले के कई विधायकों ने विधायकों से मारपीट के मुद्दे पर सरकार से माफी मांगने को कहा। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई का विरोध दर्ज करने के उद्देश्य से कुछ विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचते दिखे। इस दौरान सरकार को पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर घेरने की कोशिश की गई। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसके बाद हंगामेदार तेवरों के बीच विधानसभा में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार के 6 करोड़ बैंक खातों को नहीं मिल रहा सरकारी लाभ। बिहार में करीब 4.25 करोड़ बैंक खाते मोबाइल से नहीं जुड़े हैं और 2 करोड़ से ज्यादा बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं कराया गया है। इसमें सामान्य खातों के साथ ही जनधन और जीरो बैलेंस पर खोले जाने वाले खाते भी शामिल है। बैंकों द्वारा लगातार मैसेज भेजे जाने के बावजूद ये
खाते मोबाइल और आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। इस कारण नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस सहित तमाम सेवाओं का लाभ ऐसे खाता धारक नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खातों में सीधे भेजे जाने वाले लाभ से भी ऐसे लोग वंचित हो रहे हैं। दरअसल राज्य में इस साल 31 मार्च तक कुल खाता धारकों की संख्या 10,07,25,225 बताई गई है। इनमें से 6,31,99,362 लोगों के बैंक खाते अभी तक मोबाइल नंबर से जुड़े हैं, जबकि आधार नंबर से जुड़े खातों की संख्या 8,05,69,386 है। भागेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में डीएम ने दीदी की रसोई का लिया जायजा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सूबे के सभी अनुमंडल, सदर और जिला अस्पतालों में दीदी की रसोई योजना चल रही है, जिसके माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण नाश्ता और भोजन दिया जाना है। इसी क्रम में मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में दीदी की रसोई का जायजा लेने अचानक ही जिलाधिकारी नवीन कुमार पहुंच गए और रसोई का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने मरीजों को मिलने वाले शाकाहारी सूप का भी जायजा लिया, साथ ही वहां के खान पान की लिस्ट को भी चेक किया। बताते चले कि रसोई को चलाने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों की है। इस दौरान डीएम ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में खाना उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे जीविका दीदी सही से निभाएंगी। बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।